दिल्ली पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर। दिल्ली को बाढ़, बारिश से अभी कोई राहत नहीं। यूपी के गाजियाबाद में उफान पर हिंडा नदी, तटीय इलाकों में बसे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश की वजह से नदी का पानी शहर की सीमा तक पहुंचा। पोरबंदर में भादर नदी ने तबाही मचाई। पोरबंदर में कड़िया प्लॉट और मार्केटिंग यार्ड को जोड़ने वाली सड़क बंद हुई, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान, चार दिन से बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम, अब तक 27 शव निकाले गए, 143 लोगों को बचाया गया। बारिश के बाद गुजरात के भावनगर में जगह जगह जलजमाव की समस्या, कालीबियाड इलाके में सड़कों पर घुटने तक पानी भरा। गुजरात के जूनागढ़ में सैलाब की तबाही की तस्वीरें सामने आई, जल निकासी के बाद खिलौनों की तरह बिखरी दिखी गाड़ियां। गुजरात के जामनगर में खोड़ियार मंदिर के पास पानी हुआ ओवरफ्लो, रंगमती बांध का गेट खोला तो डूब गया मंदिर। गुजरात के अमरेली में ग्रामीण इलाकों में बारिश का कहर, पिपरिया गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, बाबरा पानसड़ा जैसे इलाकों में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। महाराष्ट्र के नालासोपारा में सड़कें सैलाब में दिखाई दी है, पालघर के हर शहर में दिख रहा है जलतांडव, जोखिम के बीच सड़क पार करते दिखे। जम्मू में चिनाब नदी का दिखा कहर, देखते देखते नदी में समा गया पूरा मकान, बारिश के कारण चिनाब नदी में उफान देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने से दबाही, चार गाड़ियां बहा ले गया सैलाब। महाराष्ट्र के जलगांव में तापी नदी में उफान, हटनूर डैम के 41 दरवाजे खुलने से नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। पंजाब में बाढ़ और बारिश की वजह से भारी बर्बादी, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया अब तक 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। ओडिशा के संबलपुर में हीराकुंड बांध से छोड़ा गया पानी, बारी बारी से चार और गेट खोले जाएंगे, लोगों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी में पानी बढ़ने से बांध में बढ़ी दरार, 10 गांव और बीएसएफ की पोस्ट पर मंडराया बाढ़ का खतरा, कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद। राजस्थान के बारा में पार्वती नदी में उफान के बीच टापू पर फंसे दो चरवाहे, 50 बकरियां भी रात भर फंसी रही, एसटीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बचाया। हिमाचल प्रदेश के 30 चंबा मार्ग पर दरका पहाड़, लैंडस्लाइड की वजह से मधुवाड़ के पास मुख्य मार्ग हुआ बंद। बुरहानपुर में बारिश से नाले में उफान, रस्सी के सहारे युवक का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के कृषि मंदिर मंत्री गणेश जोशी ने किया लक्सर खानपुर के आपदाग्रस्त गांव का दौरा, लोगों को दिया मदद का आश्वासन। मणिपुर के हिंसाग्रस्त चूरा चांदपुर इलाके में पहुंचा एबीपी न्यूज, हथियारों के साथ कैमरे में रिकॉर्ड हुए कुकी लड़ाई। कुकियों के बंकर में बंदूकों और राइफलों का ढेर है, कल इसी बंकर से हुई थी 60 राउंड फायरिंग। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मणिपुर की घटना को लेकर प्रदर्शन, चेन्नई में डीएमके की महिला विंग ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मणिपुर की घटना को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। दिल्ली में डीपीसीसी के सदस्यों का बीजेपी सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन, मणिपुर में हिंसा को बताया डबल इंजन सरकार की नाकामी। मणिपुर के पीड़ितों के लिए राहत का इंतजाम, धौबल जिले में विस्थापित परिवारों के लिए बनाया जा रहा है शेल्टर। मणिपुर की घटना को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा कुर्सी के लिए मणिपुर में फैलाई जा रही है नफरत की आग। मणिपुर मामले पर बोले केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर, दर्दनाक है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, सरकार विपक्ष के साथ चर्चा को है तैयार। मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जताई चिंता, कहा उम्मीद है जांच एजेंसियां दोषियों को दिलाएंगी कड़ी सजा। मणिपुर के हालात पर ईरोम शर्मिला ने जताई चिंता, कहा प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द उठाने चाहिए गंभीर कदम। मणिपुर में महिलाओं के साथ बेरहमी पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, देश की किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए अत्याचार। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा हिंसा के लिए बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिम्मेदार। पटना में जन अधिकार पार्टी ने मणिपुर की घटना और डोमिसाइल नीति को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, सचिवालय हॉल्ट पर किया रेल चक्का जाम। मणिपुर की राजधानी इंफाल में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, कहा पीएम और महिला बाल विकास मंत्री को करना चाहिए मणिपुर का दौरा। मणिपुर हिंसा पर गाजियाबाद में बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, महिलाओं से अत्याचार 140 करोड़ देशवासियों के लिए शर्म की बात। मालदा में महिलाओं से बेरहमी के खिलाफ बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं ने जोरा सांको पुलिस स्टेशन के सामने किया प्रोटेस्ट। नॉर्थ बंगाल के बीजेपी विधायक ने किया असेंबली में प्रदर्शन, मालदा में महिलाओं पर अत्याचार मामले को सदन में उठाया।
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा सिर्फ मालदा नहीं कई और जगहों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन, मालदा घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर उठाए सवाल, मालदा में दो महिलाओं को अर्धनग्न कर घुमाया गया। मिशन छत्तीसगढ़ में जुटी बीजेपी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, रणनीतियों पर हुआ मंथन। अमित शाह के रायपुर दौरे पर कांग्रेस का पलटवार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले अमित शाह रात में आते हैं और सुबह चले जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान राम की मूर्ति का हुआ शिलान्यास, वर्चुअली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में जुड़े। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, दिल्ली के जंतर मंतर पर मौन सत्याग्रह, मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा का। एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ गरजे राजेंद्र गुढ़ा, बोले मैं नहीं होता तो मुख्यमंत्री जेल में होते। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव देव का राहुल गांधी पर प्रहार, कहा राहुल के धान रोपने से हरियाणा में आई बाढ़, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, कहा दिल्ली की शक्तियां छीनने वाला अध्यादेश नाजायज, इससे नहीं किया जाना चाहिए। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा नीतीश राज में चरम पर है अपराध। गया में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं नीतीश। कांग्रेस ने किया छत्तीसगढ़ चुनाव समिति का ऐलान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को बनाया गया चेयरमैन, समिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 22 लोग शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के सांसदों की होगी दिल्ली में बैठक, 25 जुलाई की शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के 100 साल हुए पूरे, दीक्षांत समारोह में शामिल हुए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ विकास पर्व का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल। गोरखपुर क्षेत्र के युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी, 2 एकड़ में भाटी विहार में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। रुद्रपुर को कूड़े की समस्या से निजात मिलेगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया। बिहार के नालंदा में बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाला गया, 8 घंटे में 40 फीट की गहराई से सुरक्षित बाहर निकाला। मौत को मात देकर 90 फीट गहरे बोरवेल से निकाला गया मासूम, पूरी तरह से सुरक्षित है, नालंदा के अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के अमरोहा में निर्माणाधीन सिनेमाघर में हादसा, दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 4 मलबे में फंसे। यूपी के बरेली में कांवड़ियों पर पथराव के बाद हंगामा हुआ, शिव भक्तों ने नगर चौराहे पर लगाया जाम, मौके पर पुलिस बल तैनात। सड़क हादसे में राजस्थान के झालावाड़ निवासी 3 युवकों की मौत, एसपी के पिपलिया कुलमी गांव के पास खाई में गिरी थी बाइक। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने की सीएम योगी की तारीफ, लगाई गुहार, बोली मुझे यहां पर रहने दिया जाए। सीमा हैदर के विवाद के बीच पाकिस्तान पहुंची भारत की अंजू, फेसबुक दोस्त से मिलने खैबर पख्तूनख्वा गई है अंजू, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पाकिस्तान पहुंची। दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौत के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, आर्म्स एक्ट के तहत लॉकअप में बंद था शहादत। दिल्ली से सटे नोएडा में चलती कार में आग लग गई, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई, फायर इंजन की गाड़ियों पर आग पर काबू पाया गया। बिहार के मोतिहारी में पकड़े गए चीन के 2 नागरिक, बिना वीजा भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश, पूछताछ के बाद रक्सौल हरैया ओपी को सौंपा गया। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम का झंडा लगाने पर बवाल, 2 समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी, 2 पुलिस वाले जख्मी। उत्तराखंड के रुड़की में टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, गुस्साई भीड़ ने लगाई कार में आग। रामायण की सीता दीपिका चिखलिया ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, बोली रामलला के दर्शन कर धन्य हो गए। एमपी के राजगढ़ में दर्दनाक हादसा, पानी से भरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई, 3 राजस्थान के झालावाड़ निवासी। अयोध्या विकास महायोजना का 2रा चरण शुरू, बढ़ाया जाएगा अयोध्या धाम का क्षेत्र, सरयू किनारे बसे गोंडा और बस्ती के कुछ क्षेत्र शामिल। राजस्थान के डूंगरपुर में बच्चियों के रेप के मामले में नया खुलासा, मोबाइल की एफएसएल रिपोर्ट सामने आई, हेडमास्टर के मोबाइल में मिली 6 से 7 साल की बच्चियों की आपत्तिजनक तस्वीर। रायसेन में नाबालिग से रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, 17 जुलाई को 9 साल की बच्ची से रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी अख्तर को जेल भेजा। यूपी के आगरा में बढ़ा आई फ्लू का प्रकोप, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या, अस्पताल जाने वालों में 70% आई फ्लू के मरीज हैं। मध्यप्रदेश के उमरिया में बाघ के हमले में युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट पर लगाया मनमानी का आरोप।
ओडिशा के बारीपाड़ा फॉरेस्ट डिवीजन में संयुक्त ऑपरेशन, चार लेपर्ड के स्किन बरामद किए गए, तीन मोबाइल समेत तीन तस्कर गिरफ्तार किए गए।